एक्सरसाइज 1.2 का 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए, 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 × 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। फिर से समझिए क्वेश्चन को कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 × 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब ये भाज्य संख्या है लेकिन है क्यों, वो आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि भाजक हो जो 2 से अधिक संख्या से कटता हो। हम जानते हैं भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। दी गई संख्या, पहला संख्या इसको लेते हैं, ये जो दिया हुआ है यहाँ 7 × 11 × 13 × 13, दोनों में जो जोड़ में भी है गुना में भी है उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। 13 को कॉमन ले लिए तो 13 × 7 × 11 × 1 और यहाँ भी 1। फिर ये हो गया 11 × 77, 13 × 77 + 1 में 1 को जोड़ते हैं 78, 13 × 78 ठीक है बराबर 13 × 78 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 × 13 ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 13 × 13 × 6। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। है इसका अधिक भाजक जैसे 1 है 2 है 3 है 6 है 13 है बहुत सारा, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब दूसरी दी गई संख्या ये है, इसको लेते हैं हम लोग 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5। अब देखिए गुना में 5 है और जोड़ में भी 5 है, 5 को हम लोग कॉमन लेते हैं, ये भी गुना में है और यही जोड़ में भी है, तो इसलिए इसको कॉमन ले लिए, 5 कॉमन लिए, × 7 × 6 × 5 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 × 1। इस पूरे टर्म को जब हम लोग गुना किए यहाँ तक तो 1008 हुआ, 5 × 1008 और जोड़ में जो एक है वो जोड़ 1 तो 5 × 1009। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, एक तो इसका भी भाजक है और इसका भी भाजक है, इसलिए 1, 5 और 1009 है, तो इसलिए यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका भी 2 से अधिक भाजक है। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है उसके साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।